हेलो, वेलकम टू रीजन एच जी आर एफ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपका यूजीसी नेट 2022 और 23 के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप पेपर वन की प्रिपरेशन करें तो उसमें भी ये आता है। पेपर टू इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से इसको पूछ लिया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको मिलती हैं यूजीसी नेट जीआरएफ जो होने वाला है एग्ज़ाम, अभी जून में होगा जो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो उसके आपको यहाँ पे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे पेपर वन पेपर टू इकोनॉमिक्स के, PYQs मिलेंगे पेपर वन पेपर टू इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जैसे कि अभी हम करेंगे अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। और अगर जो आपको मैं पढ़ाती हूँ उसकी फ्री PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी, क्यों है ये। तो हम इसको पढ़ते हैं। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज़ अ टूल डैट मेजर एंड ट्रैक हंगर ग्लोबली एज वेल एज बाय रीजन एंड बाय कंट्री। तो ये जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये एक टूल है जो मेजर करता है और ट्रैक करता है, ठीक है। ट्रैक यानी पता लगाता है कि ग्लोबली, ठीक है, पूरे दुनिया में कितना हंगर है बाय रीजन और बाय अ कंट्री, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स कि ये पता लगाता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या स्टेटस है हंगर का और इसको कैसे मेजर किया जाता है, ठीक। और इसको बनाता कौन है, इसे प्रिपेयर करते हैं यूरोपियन NGOs ऑफ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्टन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये इसको प्रिपेयर करते हैं। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एनुअली इसको बनाया जाता है एंड इट्स रिजल्ट्स अपेयर इन अ रिपोर्ट इश्यूड इन अक्टूबर ईच ईयर। तो हर साल अक्टूबर में इसकी रिपोर्ट को इशू किया जाता है। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये जो यूरोपियन NGOs ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट को इशू करते हैं उसको हम बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। और ये हर साल अक्टूबर के मंथ में रिलीज़ होती है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज़ एन एनुअल रिपोर्ट एंड ईच सेट ऑफ GHI स्कोर्स यूजेस डेटा फ्रॉम अ 5-year पीरियड, ठीक है। ये यहाँ पे ही बोल रहे हैं कि GHI जो है वो स्कोर्स देता है कंट्रीज़ को, और उसके बेसिस पे ये पता लगता है कि किसी भी कंट्री का क्या स्टेटस है हंगर में, ठीक है, कि उस कंट्री के लोग कितने अंडर नरिश्ड हैं, कितने स्टनिंग हैं, कितने चाइल्ड वेस्टिंग हैं, ठीक है, उससे ये स्कोर से पता लगाया जाता है। तो ये स्कोर्स क्या है हम आगे टेबल में इसको पढ़ेंगे। और ये जो डेटा लेता है ये प्रीवियस ईयर 5 सालों का ये डेटा लेता है, ठीक है। द 2022 GHI स्कोर्स आर कैलकुलेटेड यूजिंग डेटा फ्रॉम, अब जो इंडिया का जो लिया गया है अभी ग्लोबली जो डेटा, तो वो 2017 से 2022 तक का डेटा को स्टडी करके इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया, ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं। व्हाट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। तो अब ये रिपोर्ट क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमने पढ़ लिया कि ये टूल है जो मेजर करता है हंगर को ग्लोबली, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है इसको बनाया गया 2016 में। द GHI वॉज इनिशियली पब्लिश्ड बाई US बेस्ड इंटरनेशनल फूड पॉलिसी। पहले कौन इसको पब्लिश करता था, US बेस्ड ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और जर्मनी बेस्ड वेल्ड हंगर लाइफ, ठीक है, ये है। तो ये दोनों मिलकर इसको पब्लिश करते थे इस रिपोर्ट को, लेकिन क्या हुआ इन 2007 द आयरिश NGO कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑल्सो बिकेम अ को पब्लिशर, ठीक है, आयरिश NGO यहाँ पे को पब्लिशर हो गया। फिर इन 2018 में जो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इसने क्या करा, स्टेप असाइड फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट। अब ये इस प्रोजेक्ट से ये बाहर हो गया एंड द GHI बिकेम अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ, और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स था ये किस
किन दोनों ने इसको ज्वाइंटली काम किया इस पर, वेल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, ये दोनों इसको अब पब्लिश करते हैं रिपोर्ट को, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को, ठीक है। तो कौन इसको पब्लिश करता है, जो आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ड हंगर लाइफ, ठीक है, ओके। तो द ग्लोबल हंगर इंडेक्स यूजेस, अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये क्या यूज़ करता है, 100 पॉइंट स्केल्स को ये यूज़ करता है, ठीक है, विच हायर स्कोर, विद हायर स्कोर इंडिकेटिंग हायर हंगर लेवल। तो ये हमें याद रखना है, जितना ज़्यादा वो स्कोर देगा कंट्री को, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री में ज़्यादा हंगर लेवल है। द सीवियरिटी ऑफ हंगर एसोसिएटेड विद द रेंज ऑफ पॉसिबल GHI स्कोर्स, ठीक है, तो कितना हंगर है किसी भी कंट्री में, कितने सीवियर है, तो वो उसके पॉइंट से पता चलता है। तो अब ये टेबल है, इससे हम देखते हैं, यहाँ पर लेवल है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो अगर लो हंगर है तो इट मीन्स उसको स्कोर दिया जाता है 9.9, ठीक। अगर मॉडरेट हंगर है, मॉडरेट हंगर लेवल है किसी कंट्री में, किसी रीजन में, तो उसको स्कोर दिया जाता है 10 to 19.9। और अगर सीरियस है तो उसे दिया जाता है 20 to 34.9, और अलार्मिंग है तो उसे दिया जाता है 35 to 49.9, और अगर एक्सट्रीमली अलार्मिंग है तो उसे दिया जाता है ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो ये जो है, ये स्कोर्स हैं जो दिए जाते हैं टू द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर हंगर वैल्यू, ठीक है। तो इंडिया का जो वैल्यू है, जो स्कोर जो मिला है इंडिया को, वो मिला 29.1, ठीक है, जो आता है सीरियस में, ठीक, गंभीरता में ये आता है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो ये गंभीरता में है, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो अभी सीरियस उसका लेवल है हंगर लेवल, और उसको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक। यहाँ लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है सही से, अंडर नरिश्ड हैं यहाँ पे लोग, ठीक है, मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, इसका मतलब भूख से मर रहे हैं, उनको अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए ताकि ये हंगर लेवल थोड़ा कम हो जाए। तो अब हम इसे आगे देखते हैं कि और भी क्या इसके कॉम्पोनेंट्स हैं जिसकी बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है, और फिर इसके बाद हम इंडिया की रैंक पढ़ेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, और भी मेरी वीडियोस हैं चैनल पे तो आप उसको भी देख सकते हैं, होपफुली कि वो आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिल जाए आपके एग्जामिनेशन के लिए, ओके। द GHI कम्बाइंस 4 कॉम्पोनेंट इंडिकेटर्स, तो 4 इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे, बेसिकली मैं बताती हूँ आपको। एक तो है अंडर नरिश्ड, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितनी पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है, एक तो ये फैक्ट, एक इंडिकेटर ये हो गया। दूसरा इंडिकेटर है वास्टिंग, चाइल्ड वास्टिंग, ठीक, द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर 5 सफरिंग फ्रॉम वास्टिंग, अ साइन ऑफ एक्यूट अंडर नरिश, ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो 5 साल के से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे देखा जाता है, और यहाँ पे उनको पता लगाया जाता है कि वो चाइल्ड वास्टिंग है। चाइल्ड वास्टिंग मतलब जिनका एज के साथ साथ वेट गेन नहीं होता है, ठीक है, यानी वेट की यहाँ पे कम वेट कम होता है इन बच्चों का, क्योंकि इनको प्रॉपर नरिश न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन है ये। द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर 5 सफरिंग फ्रॉम स्टंट ग्रोथ, अ साइन ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्टंट ग्रोथ, यानी कि चाइल्ड स्टनिंग है, चाइल्ड स्टनिंग यहाँ पे कि उसकी वेट तो गेन हो रहा है बट हाइट उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो वेट चाइल्ड वास्टिंग में यहाँ पे वेट पे है, वेट गेन नहीं कर पाते हैं बच्चे बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, और चाइल्ड स्टनिंग में बिकॉज ऑफ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन वो क्या होता है, हाइट नहीं बढ़ पाती है उनके बच्चों की, ठीक है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अंडर द एज ऑफ 5, तो इसके ये 4 इंडिकेटर्स हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 5 साल तक के बच्चे का, मतलब चाइल्ड मोर्टेलिटी देखी जाती है, और क्या है, चाइल्ड वास्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, अंडर नरिशमेंट। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक।
तो व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रीज ऑन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। तो क्या परफॉर्मेंस रही है कंट्रीज़ की, हम ये देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबल प्रोग्रेस देखे जाए तो ग्लोबली द प्रोग्रेस अगेंस्ट हंगर हैज़ लार्जली स्टैग्नेटेड इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में जो ये ग्रोथ है, ठीक है, जो प्रोग्रेस है हंगर के लिए, तो ये जो है स्टेग्नेट है, कॉन्स्टेंट रही है, ठीक है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। विद अ ग्लोबल स्कोर ऑफ 18.2 इन 2022, तो ग्लोबली जो स्कोर है वो है 18.2 इस साल का, एज कम्पेयर टू 19.1 इन 2004। 2004 में 19.1 था, लेकिन अब जो है वो 18.2 है, यानी ये बढ़ गया है स्कोर, ठीक है। क्यों है ऐसा, बस थोड़ा ही सही स्लाइट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है यहाँ पे, बड़ा नहीं है, कम हुआ है, 18.92 हुआ है, ठीक है। हाउएवर द 2022 द GHIA स्कोर इज स्टिल कंसर्न्ड मॉडरेट, तो 2022 में जो हंगर ग्लोबल इंडेक्स है उसको मॉडरेट ही अज्यूम किया जा रहा है। द प्लॉजिबल कॉजेज, तो जो ये स्टैग्नेशन के जो कॉजेज हैं वो इनमें से कोई एक हो सकता है, जैसे कन्फ्लिक्ट्स अमंग कंट्रीज, है ना, क्लाइमेट चेंज हो गया, द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक, क्योंकि हमने देखा है कि जब से COVID-19 हुआ है तो लोगों का बेरोज़गारी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो कहाँ से खाएंगे, ठीक है, तो भूखमरी तो होगी ना। एज वेल एज़ अ रशियन यूक्रेन वॉर, और ये जो रशियन यूक्रेन वॉर हो रही है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है लोगों की लाइफ को, विच हैज़ इंक्रीज ग्लोबल फूड फ्यूल एंड फर्टिलाइजर प्राइजेज। अब इसने क्या करा है, हर चीज़ पे पैसा बढ़ गया, रेट बढ़ गया, ठीक है, इन हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ रशियन यूक्रेन वॉर। अब ये बोल रहे हैं कि इज़ एक्सपेक्टेड टू वर्जन हंगर इन 2023 एंड बियॉन्ड, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ऐसा माना जा रहा है कि 2023 और उसके आगे वाले आने वाले सालों में ये और भी वर्स्ट होता जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से ये अभी तक तो ठीक नहीं हो पाई है, तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि ये अभी थोड़ा और वर्स्ट होगा GHIA। तो ये जो है ना हमारा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप लोगों ने पढ़े हैं, सब जानते हैं, और UGC नेट में बहुत बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं इस बारी भी। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक 17 गोल्स हैं, तो उनमें से एक गोल ये भी है कि ज़ीरो हंगर होना चाहिए, ज़ीरो हंगर बाय 2030 तक ज़ीरो हंगर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके इस गोल को ध्यान में रखते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ड्यू टू द दिस कॉजेज COVID-19 और रशियन यूक्रेन वॉर, इसकी वजह से ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये और वर्स्ट होगा 2023 में और उसके आने वाले सालों में भी, ठीक है। ओके, टॉप 5 परफॉर्मर्स हम देखते हैं कि कौन है, तो है बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चाइल्ड चाइना, क्रोशिया, ठीक है, क्रोशिया। तो ये 5-6 कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप किया है GHIA को, और वर्स्ट परफॉर्मर जिन्होंने नीचे से टॉप किया है उनको भी देख लेते हैं, शर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मदासागर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड यमन आर द कंट्रीज रैंक्ड एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। तो इन, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हमेशा टॉप 5 पूछ लेता है, ठीक है, टॉप 5 तो पूछ ही लेता है ना किसी ना किसी में, तो आप लोगों को इस तरीके से सिक्वेंस में भी इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, सही। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इंडिया की रैंक। तो इंडियाज़ रैंक इज़ 107 है आउट ऑफ 121। तो देखो पिछले साल जो थी ना इंडिया की रैंक वो थी 101, तो ये क्या हुई है, ये इसकी रैंक बढ़ गई है कम होने की बजाय, ऐसा क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन लोगों तक खाना पहुँचाए, उन लोगों का ध्यान रखे जिनको सच में ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, ओके, ये हो गया हमारा कि इंडिया की रैंक है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़, और इंडिया का क्या स्कोर है 29.1, ये मैंने आपको बता दिया कि 29.1 इंडिया को स्कोर मिला है, जो कि आता है सीरियस कैटेगरी में, ठीक है।
अब इंडियाज रैंक, इंडिया 107 तो उसकी रैंक है, इज़ रैंक बिलो। अब ये जो रैंक है ये किसके नीचे आती है, तो ये श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, यानी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी उनसे भी पीछे है इंडिया, ठीक है। तो श्रीलंका के है 64, नेपाल के 81, बांग्लादेश के 84 और पाकिस्तान के 99। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है। और अफ़गानिस्तान एक ऐसी इकलौती कंट्री है साउथ एशिया में जो कि इंडिया से भी वर्स है, उसकी कंडीशन, उसकी परफॉर्मेंस GHI में वो है 109, ठीक है। अब चाइना जो है, चाइना को सबसे कम स्कोर मिला है ना, मैंने बताया था पीछे कि जितना सबसे कम स्कोर होगा उतना ही हंगर लेवल कम होगा, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना हंगर लेवल ज़्यादा होगा। तो चाइना पे, चाइना को यहाँ पे सबसे कम स्कोर मिला है, लेस देन 5, हैज़ टॉप द चार्ट, टॉप द चार्ट टुगेदर विद 16 अदर कंट्रीज़। इसके अलावा भी 16 और भी कंट्रीज हैं जिनको कम स्कोर मिले हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसको, ये जो चार इंडिकेटर्स हमने पीछे पढ़े हैं उसमें क्या क्या परफॉर्मेंस रही है इंडिया की। तो चाइल्ड वास्टिंग में इंडियाज चाइल्ड वास्टिंग रेट जो था लो वेट फॉर हाइट, देखो मैंने बताया ना कि चाइल्ड वास्टिंग में हम हाइट को देखते हैं, तो वेट को देखते हैं, तो एट 19.3% इज़ वर्स दैन द लेवल रिकॉर्डेड इन 2014, ठीक है। एंड इवन इन 2014 में कितना था, 15.1% था, और अब कितना है, 19.3 है, और 2000 में 17.15% था, ठीक है। तो ये वर्स होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड एंड डिराइव्स अप द रीजन्स एवरेज ओइंग टू इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो ये किसी भी कंट्री के लिए इतना ज़्यादा परसेंटेज चाइल्ड वास्टिंग में किसी भी कंट्री के लिए ये वर्स्ट है, ठीक है। अंडर नरिशमेंट में प्रिजर्वेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट हैज़ ऑल्सो राइजन इन द कंट्री, फ्रॉम अंडर नरिशमेंट में बढ़ चुका है 14.6% इन 2018 टू 2020, ये हुआ है यहाँ पे 16.3% 2019 टू 2021 में। चाइल्ड स्टनिंग को देखा जाए तो चाइल्ड स्टनिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, वो हुआ है 38.7% टू 35.5% बिटवीन 2014 एंड 2022, ठीक है। और चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट को अगर हम देखें तो चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट भी थोड़ा कम हुआ है, जो कि 4.6% था पहले और अब 3.3% वो कम हुआ है, जो कि कंपैरेटिव पीरियड्स के उसमें सेम ही है, ठीक है। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और भी वीडियोस हैं मेरी, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। थैंक यू।